हेलो दोस्तों, सैंडविच सबका फेवरेट होता है, सबको बहुत पसंद है। अलग अलग तरीके से ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में रख दीजिए, इवनिंग स्नैक्स में बनाइए, बनते भी बहुत जल्दी हैं। आज दोस्तों मैं लाई हूँ आपके लिए मिक्स वेज भुजिया सैंडविच। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चार सैंडविच ब्रेड हैं दोस्तों, इसके कॉर्नर्स मैंने कट नहीं किए हैं, इस पर मैंने बटर लगा दिया है। तीन से चार उबले हुए आलू हैं, आप आवश्यकता अनुसार आलू ले लीजिए। एक कटोरी में थोड़ी सी फ्रोज़न मटर है। सब्जियों की क्वांटिटी दोस्तों सभी बराबर लेनी है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। एक प्याज है जिसे बहुत ही बारीक काटा है, सब्जियों को बारीक काटना बहुत ज़रूरी है। शिमला मिर्ची है जिसे भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। लाल वाली गाजर है, उसको भी बारीक बारीक काटा है। ऑरेंज है तो भी कोई बात नहीं। पत्ता गोभी है, इसे भी एकदम महीन काटना है। और दोस्तों लास्ट में हमारा टमाटर, टमाटर को भी एकदम छोटा छोटा काटा है। ये सब मैंने चॉपर से काट लिए हैं, आप हाथ से भी काट सकते हैं। हरा धनिया है जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सैंडविच है दोस्तों तो इसमें चटनी लगेगी। ये मेरी बॉम्बे स्टाइल वाली एकदम परफेक्ट चटनी है जो हमारे सैंडविच को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। आप इसकी रेसिपी मेरे पेज में भी देख सकते हैं, आसान सी है। आप अपनी नॉर्मल चटनी से भी बना सकते हैं दोस्तों। इस चटनी से बनाएंगे तो आपका सैंडविच बहुत टेस्टी बनेगा। इसे बना के फ्रिज में रख दीजिए और जब मन आता है तब आप अपनी सैंडविच रेडी कर सकते हैं। मिक्सिंग बाउल में दोस्तों मैंने सबसे पहले अपनी मटर ली है। मटर अगर कच्ची लेते हैं तो उसे नमक डालकर उबाल लीजिए। मैंने अपने आलू मैश करके डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक, चौथाई चम्मच काली मिर्ची और दोस्तों चौथाई चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है। मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि बच्चों को थोड़ा तीखा लगता है, इसीलिए नहीं डाली है। हरा धनिया डाल दिया है, इसके बाद थोड़ी सी प्याज डाल दी है। जितना दोस्तों जब सैंडविच बनाना है उतना मटेरियल रेडी कर लीजिए और सैंडविच बना लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स किया क्योंकि नमक डालने के बाद थोड़ा सा प्याज पानी छोड़ती, इसलिए पहले मिक्स कर लिया। टमाटर डाला है, दो चम्मच शिमला मिर्ची डाली है और दोस्तों उसके बाद मैंने इसमें अपना पत्ता गोभी डाल दिया है। इसमें हम लोगों ने कोई भी और दूसरे प्रिजर्वेटिव मसालों का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक से भी देखेंगे आपके सैंडविच बहुत टेस्टी और एकदम यम्मी बन जाएंगे। स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। एकदम लो ऑयल रेसिपी जैसा आपका ये रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में रखेंगे दोस्तों, बच्चों को पसंद आएगा। टिफ़िन में कम बटर के साथ सेकिए, कम ग्रिल, ज़्यादा ग्रिल कर लीजिए, तवे पर भी इसको दोस्तों हम बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है। ब्रेड पर जो मैंने बटर लगाया था उसके बाद मैंने अपनी चटनी लगाई है। बटर लगाने से क्या होता है दोस्तों, चटनी जो है वो ब्रेड के दूसरी तरफ नहीं जाती है और हमारी ब्रेड जो है वो क्रिस्पी रहती है, इसीलिए आप बटर लगाना स्किप मत कीजिए। बटर लगाने के बाद मेरा जो सब्जियों का मिक्स था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और बंद कर दिया। ऊपर से फिर थोड़ा सा बटर लगाया और मैंने इसे अपने टोस्टर में ग्रिल किया है। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसे तवे पर भी अलट पलट के सेक सकते हैं। एकदम सिंपल तवे को रख दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। ढकने से क्या होता है कि अंदर जो बटर है वो भी पिघल जाएगा, एक्स्ट्रा बटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल दोस्तों, अच्छे से क्रिस्पी सिक जाएगा। बीच में से मैंने कट किया और थोड़ी सी भुजिया उसमें लगा दी। भुजिया बच्चों को क्या, हमको दोस्तों सभी को बहुत पसंद आती है। भुजिया वाले मिक्स वेज सैंडविच दोस्तों बनके तैयार हैं, एकदम यम्मी टेस्टी हैं। बटर भी बहुत कम लगा है। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए। मैं आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग तरह की डिशेज, नए टाइप के सैंडविच लेके ज़रूर आऊँगी। अपनी भुजिया वाले सैंडविच को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।